हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। सो हम इस वीडियो और ब्लॉग को स्टार्ट कर रहे हैं ये ड्रीम प्लस मेमोरी फॉर्म पिलोस के साथ, जो कि बहुत अच्छे हैं, कूल टू द टच हैं। और ये एक्चुअली प्रेशर रिलीफ प्रॉपर करते हैं। कूल टू द टच कवर है इनका, ये रिमूव इनका कवर है, तो आप इसको रिमूव करके वॉश कर सकते हो कवर को मशीन में। और ये जो पल्स मेमोरी फॉर्म है इसमें, कि आप इसको दबाएंगे और जब छोड़ेंगे तो ये एज इट इज़ अपने फॉर्म में आ जाएगा। और इनकी हाइट भी बहुत अच्छी है, तो आप बिल्कुल इनको यूज़ कर सकते हैं। और इनका जो डायमेंशन है वो है 16x28 इंच, 40x71 सेंटीमीटर। तो ये पिलो बहुत ही अच्छे हैं। आप इनको, अगर आपको स्वेटिंग की प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली इनको एक बार ट्राई करें, आपको बहुत ही अच्छे ये पिलोज़ लगेंगे। और ये दो पिलोज़ थे, और जिस तरीके से आप ये बॉक्स में देख रहे हो ना, ये इसी तरीके से रोल्ड आए थे। और इनको बस अनरोल किया, और जैसे ही अनरोल किया तो ये अपने शेप में आ गए थे। तो एक्चुअली हम उसको शूट नहीं कर पाए क्योंकि ये हमारे हस्बैंड ने खोल लिए थे। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि ये प्रॉपर इस तरीके का पिलो है, और इसकी हाइट जो है वो बहुत ही अच्छी हाइट है। आई मीन ना बहुत कम है और ना बहुत ज़्यादा है, सो ये हाइट भी बहुत अच्छी है। और आप जिप देख सकते हो, तो इस कवर को निकाल के आप वॉश कर सकते हो। ये जो जिप है ना, ये खुल जाएगी और कवर ईजीली निकल जाएगा, आप इसको वॉश कर सकते हो। तो ये हमें 4 दिन हो गए लगभग इसको यूज़ करते हुए, तो ये हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। और आप भी चाहें तो बिल्कुल इसको ट्राई कर सकते हैं। इससे सर का दर्द, बैक पेन, और ये जो गर्दन में कभी कभी दर्द होता है ना, नेक पेन, ये सब आपको काफ़ी इससे रिलीफ मिलेगा। और एक्चुअली हमने इसको फिर अपने घर के कवर्स पे कवर डाल दिए थे, इसमें पिलो कवर। ये बहुत ही अच्छे पिलोज़ हैं, एज आई टोल्ड यू कि हमने ऑलरेडी इनको यूज़ कर लिया है। और ये कवर भी बहुत ही अच्छे लगे। एक्चुअली हमने अभी अमेज़ॉन से ये बाय किए हैं, सो आप भी बता सकते हो कि ये कैसे लगे। और अगर आपको पिलोज़ ख़रीदना है अभी रिसेंटली, तो आप ये वाले पिलोज़ ट्राई कर सकते हो। और अब चलते हैं हम त्रिशिका की तरफ, और इसके बाद चलेंगे किचन में, क्योंकि हमें लंच बनाना है। सो किचन में आज क्या बन रहा है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सो पहले त्रिशिका को देख लेते हैं, क्योंकि त्रिशिका यहाँ पर ही खड़ी थी, और हमने एक्चुअली ये हम शूटिंग कर रहे थे तब तक उसने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ कर लिया जाए। तो आप देखिए यहाँ पर उसको, व्हाट आर यू डूइंग मम्मा, व्हाट आर यू डूइंग बेटा, look here, look at mama, what are you doing? और अब हम चलते हैं किचन में। सो अब हम लंच बनाएंगे, लंच की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर दाल को हमने प्रेशर कुक कर लिया है, और ये एक्चुअली तुअर की दाल है, अरहर की दाल है। और बस अब हम इसको जल्दी से तड़का लगा लेंगे। तो यहाँ पर एक पैन में हमने लिया है घी। दाल को एक्चुअली हम घी में ही बनाते हैं, आप चाहें तो बिल्कुल ऑयल में भी बना सकते हैं, बट दाल का फ्लेवर घी में ही अच्छा आता है। सो यहाँ पर बस असाफटीडा हींग को ऐड कर देंगे, और इसके बाद हम बस बेसिक मसाले ऐड करेंगे, जिसमें है थोड़ी सी राई, थोड़ा सा जीरा। जीरा एक्चुअली हम थोड़ा ज़्यादा हर चीज़ में ऐड करते हैं, आप चाहें तो कम भी ऐड कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। आप तड़का अपने हिसाब से बिल्कुल बना सकते हैं, कोई चीज़ नहीं खाते हो स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने थोड़ी सी कड़ी पत्ता और जो गार्लिक है उसको ऐड किया है। सो बस इतनी चीज़ें हमने ऐड की हैं, इनको अच्छे से सिक जाने देंगे। और एक्चुअली क्या होता है ना, कि यहाँ पर घर बंद बंद होते हैं, तो हम ढक के थोड़ा प्रेफर करते हैं चीज़ों को पकाना। सो यहाँ पर बस हम ऐड कर देंगे चॉप की हुई प्याज। सो बस सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए पका लेंगे, जैसे ये हल्की सी ट्रांसलूसेंट होंगी और थोड़ा सा पकने सी लगेंगी, इतने में ही हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। तो नमक ऐड करते ही ना थोड़ा सा पानी रिलीज़ कर देती हैं वेजिटेबल्स, तो जल इसकी जो कुकिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगी। और अब हम इसमें और बेसिक मसाले ऐड करेंगे, सो हल्दी पाउडर और
इसमें मिर्च जो रेड चिली है वो पाउडर हमने ऐड किया है, सो टर्मरिक और रेड चिली पाउडर। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर धनिया पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, कोरिएंडर पाउडर, बट हमने यहाँ पर स्किप किया है क्योंकि हम हर चीज़ में धनिया पाउडर एक्चुअली नहीं डालते। तो अगर आप डालना चाहें तो बिल्कुल आप डाल के, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है हमने, और बस इसको चलाते हुए सेक लेंगे थोड़ा मसाले को, और इसके बाद ऐड कर दिया है चॉप किया हुआ टमाटो। सो टमाटो को अब हमें बहुत अच्छे से पकाना है जब तक कि मशी ना हो जाए, और इवन आई कैन से कि इतना पकाना है कि जब तक थोड़ा सा जो घी है वो मसाला छोड़ने ना लगे, वो ऊज आउट ना हो जाए। तो हमें इतना इसको मसाले को पकाना है। आप देख सकते हो कि घी थोड़ा थोड़ा सा बाहर दिखने लगा है, मसाला इतना पक गया है, और यही सही साइन होता है कि आपका मसाला एकदम डन है। तो जब तक घी ना छोड़ देना मसाला, तब तक कोई भी चीज़ उसमें ऐड करेंगे तो वो थोड़ा कच्चा कच्चा सा फ्लेवर देती है। आप फिर बाद में उसे कितना भी पका लें फिर वो बात नहीं आती, और तो जितना कि आप अगर इसको अच्छे से प्रॉपर पकाएंगे तब आती है। तो यहाँ पर बस बहुत अच्छे से इस दाल को जो है ना बॉयल कर लिया है, और अब आप देख रहे हैं ना कि इस पर ये फ्रॉथ जैसा आ रहा है, जो ये झाग जैसा होता है ना, इसको हम निकाल देंगे, क्योंकि ये जो इसके दाल बनने के बाद या जब दाल पकाते हैं उसमें जो आता है ना ये फ्रॉथ, ये बहुत अनहेल्दी होता है, इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपके पास टाइम है तो जो ये ऊपर ऊपर जो ये झाग जैसा आता है ना इसको प्रॉपर निकाल दें, इससे यूरिक एसिड वगैरह होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो ये झाग बिल्कुल आप निकाल दें अपने दाल से, चावल से, अगर सब्जी में आ रहा है तो ये प्रॉपर हमारी पक गई है दाल, और अब इसमें हमने एंड में ऐड कर दिया है थोड़ा सा कसूरी मेथी, और ये दाल हो गई है डन। तो अब हम यहाँ पर बना के तैयार कर लेते हैं अपनी पालक आलू की सब्जी। सो यहाँ पर हमने एक पैन में लिया है ऑयल, और उस ऑयल को थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे। आफ्टर दैट हम इसमें ऐड करेंगे असाफटीडा हींग। सो इसके बाद हम इसमें बस सीधा ऐड कर देंगे थोड़े से जीरे, क्यूमिन सीड। अब क्यूमिन सीड जो है हम अगेन बोलेंगे कि हम थोड़ा ज़्यादा डालते हैं, आप चाहें तो कम भी ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पर जब अच्छे से क्यूमिन सीड क्रैकल हो जाएंगे सो इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्च। सो ये गार्लिक और ग्रीन चिली हमने काट के ऐड की है, और हम इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिली को ऐड ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर रेड चिली का यूज़ नहीं करेंगे। आप चाहें तो रेड चिली भी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर हम बस टर्मरिक पाउडर इसमें ऐड करेंगे, और ये बहुत अच्छे से गार्लिक जो है वो सिक गया है, ग्रीन चिली सिक गई है, और बस अब इसको बढ़िया से हम मिला लेंगे जिसमें थोड़ा टर्मरिक पाउडर भी कच्चेपन के फ्लेवर से निकल जाए। और यहाँ पर ऐड कर देंगे हमने जो काट के रखे हैं अपने आलू वो। सो यहाँ पर जैसे ही पोटैटो को हम ऐड कर देंगे वैसे ही थोड़ा सा चला के, और हम नमक को ऐड कर देंगे क्योंकि नमक ऐड करने से ना जल्दी जल्दी कुकिंग प्रोसेस हो जाएगी, तो आलू जल्दी जल्दी पक जाएंगे क्योंकि आलू बिल्कुल कच्चे हैं। आप चाहें तो इसमें बॉयल आलू भी ऐड कर सकते हैं, बट उसका फ्लेवर फिर थोड़ा चेंज हो जाएगा, और जब रॉ हम यूज़ करते हैं तो उसका फ्लेवर थोड़ा अलग होता है। और यहाँ पर हमारे आलू जो हैं वो भी 80% तक पक गए हैं। अब पालक भी ऐड करनी थी तो हमने इनको 100% डन नहीं किया था, और इसमें हम पालक को धो के काट के ऐड कर रहे हैं। और जैसे ही ये पालक एकदम भर जाएगी ना तो आप क्या करना कि इसको तुरंत मत चलाएं, और थोड़ा सा इसको ढक देंगे ना और ये तुरंत बैठ जाएगी, और फिर आप आसानी से इस पालक को टर्न कर सकते हैं। सो बस यहाँ पर हमने इसको एज़ इट इज़ ही ढक दिया है, आप देख सकते हैं, और इसके बस 2 सेकंड बाद ही ये बढ़िया से बन के तैयार हो जाएगी पालक। और इसमें देखिए आप बहुत सारा ये पानी भी छोड़ देगी, तो पानी छोड़ेगी तो आप गैस तेज कर दें और तेज करते हुए पकाएं, तो ये बहुत ही जल्दी पक के तैयार भी हो जाएगी और बिल्कुल नहीं जलेगी, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो हमने बस गैस को फ्लेम को जो है उसको तेज कर दिया है, और हमारी पालक जो है वो फटाफट से बनके तैयार हो जाएगी। सो ये हमारी एकदम सूखी आलू पालक की सब्जी जो है वो बनके तैयार हो गई है। सो बस अब सब्जी भी बन गई है, दाल भी बन गई है, तो हमने जल्दी से रोटियां भी बना ली हैं,
और ये रोटियां, रोटी सब्जी और दाल हमने एक्चुअली सर्व की थी दिन में, और थोड़े से राइस हमने बनाए थे एक्चुअली रात के लिए, शाम के लिए। सो वो राइस और दाल और सब्जी और रोटी, ये सारी चीज़ें हो गई थी डिनर में। सो इसी तरीके से हमारा लंच और डिनर रहा। और एक्चुअली क्या है ना कि हमारा जो मायका है, हमारा जो घर है, तो वहाँ पर ये पूरा खाना बड़ा पसंद किया जाता है, स्पेशली जब सर्दियाँ हों और जब गर्मियाँ हों, तो दाल चावल सब्जी तो बहुत ही पसंद की जाती है। सो इस तरीके से चाहे ठंड हो या गर्मी हो, ये खाना तो हमेशा अच्छा लगता है। बस थोड़ी सी चीज़ें बदल जाती हैं, सब्जियां बदल जाती हैं, प्याज लहसुन कम हो जाता है या समटाइम नहीं भी डलता है, क्विकली भी बन जाती हैं चीज़ें, बट स्टिल ये खाना परफेक्ट होता है और हम इंडियंस के लिए तो ये खाना बेस्ट है। सो बस हमने इसी तरीके से अपना ये डिनर सर्व कर लिया है। और बस अब हमने अपनी सारी किचन को नीट एंड क्लीन करके, ये एसेंशियल ऑयल डिफ्यूज़र है, इसमें हमने ऑयल ऐड करके इसको ऑन कर दिया था, क्योंकि जो हम लोगों का खाना होता है ना, उसमें कई एक स्मेल सी होती है, और यहाँ पर घर बंद होते हैं ना तो सारी स्मेल अंदर भरती है। इस वजह से आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे ऑयल्स आते हैं इस तरीके से, एसेंशियल ऑयल। इसमें लेवेंडर है, पिपरमेंट है, काफ़ी तरीके के ऑयल होते हैं, आई कैन से रोज़ का भी होता है, और एंटी एंजाइटी वाला भी होता है। तो काफ़ी तरीके के ऑयल हैं, आप फ्रेग्रेंस में भी काफ़ी अच्छे होते हैं, कुछ तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बढ़िया फ्रेग्रेंस होती हैं। जैसे हमने एक और इसके अलावा एक ट्राई किया, उसमें वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उसकी 3 से 4 ड्रॉप में ही काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस फैलती है। इसमें थोड़ा हमें ज़्यादा ऐड करनी पड़ती हैं, 10 to 15 ड्रॉप्स ऐड करनी पड़ती हैं, और इसको बस हम इस तरीके से, इसमें कुछ नहीं एक्चुअली करना होता है, थोड़ा सा पानी ऐड करना है, इसमें मैक्सिमम लेवल इसमें दिया हुआ होता है, और बस उसमें 10 to 15 ड्रॉप्स ऑयल को ऐड करें, और बस इसको बंद करके और ऑन कर लें। एक्चुअली हमारे इसमें तो नाइट लैम्प ही है, तो बहुत अच्छा काम करती है। अगर लाइट ऑफ़ करके आप इसको ऑन कर देंगे ना, तो ये पूरा नाइट लैम्प का भी काम करेगी। सो बस इसी तरीके से ये रहा हमारा आज का पूरा दिन। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी यूज़फुल लगा हो, कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।